ललन सिंह है, वो नीतीशवा का साला है। कौन बोला? प्रयाग बोली थी राबड़ी देवी, बिहार के मुख्यमंत्री विधानसभा चुनाव में बोली है, उस पर एक FIR भी दर्ज हुआ है। राबड़ी देवी ने टिप्पणी की थी कि ललन सिंह जो है नीतीशवा का साला है, ये खुले मन से बोली थी। वो अपनी माँ से पूछे कि किसका औलाद और किसका संतान है, अटल पटेल चटेल। चिराग पासवान एक शेर का बच्चा है, और शेर का बच्चा कोई सही नाप देगा क्या? शेर का बच्चा को नापने के लिए कोई कुत्ता बिलाया के नाप देगा क्या? शेर का बच्चा एक दहाड़ मारेगा तो जनता जी ऐसे ही सुहा हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के बेटा को देखिए, निशांत कुमार जी को नापी का टाइट रहता है, नकारा निकम्मा है, जेल चले जाए। चिराग पासवान जी के जी के लिए लाखों लाखों दिनेश पासवान जेल जाने के तैयार है, और कोई अटल पटेल चटेल की चटेल बात कर रहे हैं। आदरणीय चिराग पासवान जी के पैदाइश पे, वो किनके पैदाइश है ये अटल पटेल चटेल, खुद जाके पूछे अपने बाप और अपने माँ से कि उनकी माँ 2025 के बिहार के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। भाजपा के एजेंट है चिराग पासवान, के बोल दिया कि भाजपा के एजेंट है, बोल रहा है। कल तक तो वही एजेंट गिरी कर रहे थे जी। बिहार विधानसभा के 3 सीटों पर हाल ही में चुनाव हुआ, जिसमें 2 सीट महागठबंधन के लोग बुरी तरीके से हार गए, और NDA 2 सीट पर जीत पाई है और 1 पर महागठबंधन। और गोपालगंज और कुढ़नी में जो जीत हुआ है, इस पर NDA के लोग भी कह रहे हैं और लोग भी कह रहे हैं कि चिराग पासवान की वजह से ये जीत हुई है। लेकिन जब हम लोगों ने JDU के लोगों से बात किया, JDU के प्रदेश सचिव हैं राजीव रंजन पटेल, उनसे जब पूछा गया कि चिराग फैक्टर की वजह से आप लोग हार जा रहे हैं, चिराग आप लोगों पर क्यों इतना भारी पड़ रहा है, तो उनका जो हमला है निजी और व्यक्तिगत चिराग पासवान पर है। चिराग पासवान की औकात और चिराग पासवान की पैदाइश तक पर वो लोग पहुंच गए हैं, और उसके बाद से चिराग समर्थक लोजपा रामविलास के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनमें एक भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। हमारे साथ लोजपा रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता दिनेश पासवान हैं, इनसे बात करेंगे कि चिराग पासवान के ऊपर निजी हमले किए जा रहे हैं, उनके पैदाइश को लेकर के उंगली उठाई जा रही है कि कब पैदा हुए, उनके माता पिता की शादी कब हुई, इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत विवाद फैला हुआ है। क्या कहेगा दिनेश जी, आपके नेता डुप्लीकेट है, ओरिजिनल पासवान नहीं है? कौन बोले हैं ये, बोले हैं कौन? राजीव रंजन पटेल। अरे पटेल चटेल जो भी कोई कुछ बोले हैं, माननीय मुख्यमंत्री उस शेर का बच्चा है, और शेर का बच्चा में कोई कुत्ता बिलाई को इनका मुकाबला कर लेगा? शेर का बच्चा आदरणीय चिराग पासवान जी शेर का बच्चा है, स्वर्गीय राम विलास पासवान जी के सपुत्र है, और चिराग पासवान एक शेर का बच्चा है, और शेर का बच्चा को ऐसे ही नाप देगा क्या? शेर का बच्चा को नापने के लिए कोई कुत्ता बिलाया के नाप देगा क्या? शेर का बच्चा एक दहाड़ मारेगा तो जनता जी ऐसे ही सुहा हो जाएगा। और कोई अटल पटेल चटेल की चटेल बात कर रहे हैं, आदरणीय चिराग पासवान जी के पैदाइश पे, वो किनके पैदाइश है ये अटल पटेल चटेल, खुद जाके पूछे अपने बाप और अपने माँ से कि उनकी माँ इतना व्यक्तिगत नहीं हुई है, वो लोग तो गलती कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं। अरे तो मर्यादा का तार तार हो ही ना कर रहे हैं, वो अपनी माँ से पूछे कि किसका औलाद और किसका संतान है अटल पटेल चटेल। और जो हमारे नेता दर्जी चिराग पासवान जी हैं, ओइसा सुपुत्र एक घर में जन्म लिया, स्वर्गीय राम विलास पासवान जी के सुपुत्र हैं, वो शेर का बच्चे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का सुपुत्र देख लीजिए, निशांत कुमार जी को टाइट रहते हैं, जेल चले जाए। चिराग पासवान जी के जी के लिए लाखों लाखों दिनेश पासवान जेल जाने के तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री जी के बेटा को देखिए, निशांत कुमार जी को टाइट रहता है, नकारा निकम्मा है, बिहार गीत के बारे में क्या सोचता है, ऐसा नालायक से पुत्र है क्या? चिराग पासवान जी एक शेर का बच्चा है, और अच्छा अच्छा को दहाड़ देंगे। आज जनता दल यूनाइटेड जनता दल डिवाइडेड हो चुकी है, जनता दल लेटर में कोई कुछ है जी, वो तीसरे नंबर की पार्टी हो गई है, छह नंबर की पार्टी आप लोग हैं, बोल रहे हैं राजीव पटेल। आज भी जनता दल यूनाइटेड का सपने में चिराग पासवान याद आते होंगे, जो फर्स्ट नंबर की पार्टी तीसरे नंबर पर चले गए हैं। और हमारा आदरणीय चिराग पासवान जी पे टिका टिप्पणी करने की बात करते हैं, ये असंभव बात है। चिराग पासवान जी बिहार के एक चहेते और बिहार के जनमानस को 11 करोड़ लोगों को एक चहेते एक दिल में बसे हैं, और चिराग पासवान में आस्था और विश्वास रख के 2025 के बिहार के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। भाजपा के एजेंट है चिराग पासवान, के बोल दिया कि भाजपा के एजेंट है, वही बोल रहा है। कल तक तो वही एजेंट गिरी कर रहे थे जी। भाजपा ने उनको सम्मान नीतीश कुमार जी को क्या दिया बताइए, मुख्यमंत्री तक बना दिया गया भाजपा ने, बना दिया। कौन बनाया उनको? तीसरे नंबर की पार्टी है, 42 सीट लेके आए हुए थे, बिहार विधानसभा चुनाव में आए थे, कहीं ना कहीं भाजपा ने उनको आगे बढ़ाने का काम किया। और एजेंट गिरी तो सबसे बड़ा जनता दल यूनाइटेड है, देखिए 2015 का विधानसभा चुनाव महागठबंधन के साथ लड़े नीतीश कुमार जी, 17 में पलटी मार के भाजपा के साथ सरकार बनाए, 2020 में विधानसभा का चुनाव भाजपा के साथ लड़े, 22 में फिर पलटी मार दिए, महागठबंधन का सरकार चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता ने अब देख लिया और उनको समझ लिया है कि पलटी मारने में मुख्यमंत्री जी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, सत्ता के लालच में किसी के भी गोद में जाकर बैठ सकते हैं।
अब आप जेल जाइएगा नीतीश कुमार के बच्चे प्रमेय भाई, जेल जाने के लिए बिल्कुल हम तैयार हैं। चिराग पासवान के लिए जेल जाइए, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जैसा लाखों नौजवान आदरणीय चिराग पासवान जी के लिए जेल जाने के लिए तैयार है। चिराग पासवान डुप्लीकेट पासवान है जी, बोल रहे हैं उनके प्रूफ है, उनके उनके बोल रहे टिकट पंजाब के लड़का है, बिहार में क्या है उनका, पूछ रहे थे। अब बोल चले जाए, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सुपुत्र है, बिहार के सरजमी के लड़का है, बिहार के हित के बारे में सोचते हैं, बिहार के भविष्य के बारे में सोचते हैं, बिहार के नौजवानों को लेकर बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, बिहार फर्स्ट बिहारी विजन डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। अब जनता दल यूनाइटेड खुद एक भगदड़ मचने वाली है, बहुत जल्द देखिएगा उनके अधिकतर नेता कहीं जाएंगे, मुकेश सहनी के पार्टी में शिफ्ट होंगे, कहीं भाजपा के शिफ्ट होंगे, लोजपा में शिफ्ट होंगे, पूरे अच्छी तरह से भगदड़ मचने वाली है। यानी कि लोजपा जो है नीतीश कुमार को भराते रहेगी। आप कुछ दिन पहले सुने होंगे कि वही पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी ने एक बयान दिया था उन्हीं के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में, ललन सिंह के बारे में, 2010 के विधानसभा चुनाव के चुनाव में, कि जो जो ललन सिंह है वो नीतीशवा का साला है। बयान बोली थी राबड़ी देवी, बिहार के मुख्यमंत्री विधानसभा चुनाव में बोली है, उस पर एक FIR भी दर्ज हुआ है। तो ये लोग सत्ता के लालची लोग हैं, सत्ता के मिलने पे दोनों का। ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाई ललन सिंह के बारे में तो बोली थी, जदयू के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिल्कुल बिहार के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने टिप्पणी की थी कि ललन सिंह जो है नीतीशवा का साला है, ये खुले मन से बोली थी। तो उनके खुद के पार्टी में पता राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में टिकट टिप्पणी हो रहा है, फलनवा का साला कौन है, चिलनवा का साला कौन है, तो पहले उस पर तो जाकर समझे अटल पटेल चटेल, उसके बाद आदरणीय चिराग पासवान जी के बारे में बात करें तो अच्छा लगेगा। वो अपने TRP को बढ़ाने के लिए हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी पे इस तरह का, जदयू वाले चिराग मॉडल से इतना बौखला क्यों जा रहे हैं? तो बौखलाएंगे नहीं, बिहार में उनकी राजनीतिक हैसियत माननीय चिराग पासवान जी ने दिखाने का काम किया, उनकी औकात बताने का काम किया, तो बौखलाएंगे नहीं। जो फर्स्ट नंबर की पार्टी की बात करते थे, बिहार में अपना एक राजनीतिक भविष्य तलाश रहे थे, कहीं ना कहीं उस भविष्य को हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने धरातल पर उतारने का काम किया और बिहार की जनता को दिखाने का काम किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार को एकदम बदहाल स्थिति में छोड़ दिए हैं। आज उस समय देखे होंगे आप कोरोना के टाइम में क्या हुआ था, जो प्रवासी मजदूर पलायन कर रहे थे उनको बॉर्डर पर रोक दिया जा रहा था, उस प्रवासी मजदूर को बिहार में एंट्री तक माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं करने दे रहे थे। तो चिराग के जो भी समर्थक है पूरा फायर है, दिनेश पासवान है, ये खुद बहुत बड़े समर्थक है, पार्टी के कार्यकर्ता है, प्रदेश प्रवक्ता है, लेकिन जेल जाने के लिए तैयार है चिराग पासवान के लिए, कि जेल भी चले जाएंगे चिराग पासवान के लिए, ये नहीं हजारों और लाखों ऐसे चिराग पासवान के समर्थक है जो जेल चले जाएंगे अगर कोई चिराग पासवान पर उल्टा सीधा टिप्पणी करेगा तो। इन्होंने भी प्रतिक्रिया दिया कमेंट, आप क्या मानते हैं कि चिराग पासवान डुप्लीकेट पासवान है, अन्य भी टिप्पणी की गई है, जो भी प्रतिक्रिया आपके कमेंट बॉक्स में लिखेगा। फेसबुक देखते वीडियो शेयर कीजिए, यूट्यूब देखते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।